अर्थ प्रकाश देखें तमाम भाई बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाई बहनों, जैसे आपको पता है कि हम ग्राउंड लेवल रिपोर्ट दिखा रहे हैं नगर निगम चुनाव की जो पंचकुला में हो रहे हैं, और आपने देखा होगा कि शहर का माहौल क्या था, ये गाँव का माहौल कैसा है। आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर किस तरह से लोग उत्साहित हैं, और हम यहाँ पर खड़े रामगढ़ हैं जो पंचकुला के नगर निगम के अंदर आता है और शहर से बाहर है ये जो गांव है, और यहाँ पर ये सभी लोग खड़े हैं। आइए हमसे बात करते हैं इन सभी से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलजिंदर गोयल है जी। क्या जी? बलजिंदर गोयल। गोयल जी, आप रामगढ़ में रह रहे हो? नहीं, रामगढ़ में नहीं रह रहा, बासी रह रहा हूँ रामगढ़ के। अच्छा। और जो ये नगर निगम का इलेक्शन माहौल चल रहा है, इसमें देखिए अब सभी जनता पढ़ी लिखी है, अब अनपढ़ वाली बात नहीं रही। सभी को पता है कि विकास कौन करवा सकता है, कौन काम करवा सकता है। आपने विकास की बात कही, हम ये बताओ कि आपके यहाँ पर मेन मुद्दे क्या हैं इलेक्शन, जो लोकल जो आप यहाँ पर जूझते हो, जो नहीं हुए वो बताइए। देखिए यहाँ पे लगभग तो काम सभी, देखिए फ्लाई ओवर लग गया हुआ है, दुकानों में कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे बात करते हैं। बाबा जी आओ, आओ बाबा जी, और डरो ना, आ जाओ। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमचंद। प्रेमचंद जी, बाबा जी यहाँ पर है। बाबा जी ये बताओ कि आप यहाँ पर कितनी देर से रह रहे हो? हमारे को 50-60-70 वर्ष के। वाह, 50-60-70 वर्ष, वाह भी वाह। अच्छा मुझे ये बताना कि आपने इस गांव को छोटा भी देखा होगा, छोटा जो गांव तो वो भी देखा होगा, तो तब और अब में क्या फर्क लगा आपको? ठीक चल रहा है। टीचर है यहाँ पर, दिक्कतें क्या थी ये बताओ, मेन जो दिक्कत, दो जो दिक्कत है ये बताइए। जो दिक्कत थी हमारी पूरी हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताइए, जो माहौल चल रहा है इलेक्शन, उसमें क्या लगता है आपको यहाँ पर लोग? मेरा जो फूल का इलेक्शन, आपका विचार क्या है? हाँ, विचार है मेरा फूल वाला जीतेगा। कौन? फूल वाला। फूल वाला जीतेगा। हाँ, बाबा जी ने फूल पर मोहर लगाई है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? सुशील सिंगला। हाँ जी, सुशील सिंगला। सुशील सिंगला जी, आप यहीं इसी गाँव के कि कहीं बाहर से हो? नहीं, मैं तो बरवाला का रहने वाला हूँ जी, जिला उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का। तो आपके इलेक्शन है यहाँ पर, इन इलेक्शनों में कौन कौन से मुद्दे लेकर पार्टी आपकी उतरी है? हमारी पार्टी का नारा है, हमने काम किया है और काम करेंगे, विकास किया है विकास करेंगे। जैसे कि पहले जो हमारी उपेंद्र आलूवालिया है मेयर, इसका भी राज देख लिया, और इनके पार्षदों का भी 5 साल का राज सारी हमारी जनता ने देख लिया है। जब ये भंग हुई, उसका 1 साल का शासन हमारे गुप्ता जी ने जो विकास के कार्य किए हैं, और इनका 15 साल का विकास का कार्य है, वो एक बराबर है। अच्छा, ये आप 425 करोड़ रुपए के काम किए हैं। रामगढ़ की ही बात मैं कहता हूँ कि 1.5 साल पहले जब इनका मतलब उपेंद्र जी का मतलब राज था, तो यहाँ मुद्दे थे। 1.5 साल पहले तो सरकार खट्टर साहब की थी यहाँ पर, बीजेपी की सार की सरकार थी, निगम में राज कांग्रेस का था। निगम तो भंग हुई थी उस समय 2 साल पहले जी। 2 साल पहले ही भंग थे? 2 साल ही हुए हैं जी, 2 साल ही विकास के कार्य हुए हैं। 13 में बनी है और 18 में भंग। चलो, इन्होंने अपनी बात रखी में भंग हुई है। रामगढ़ के भी जैसे मुद्दे थे कि तो मतलब इसी सड़क का था ये, अभी जो यमुनानगर आपका फ्लाई ओवर भी बनाई, मतलब इन्होंने 10 साल पहले बनना था ये, इसके बाद मतलब 14 के मतलब ये सारी मतलब इसकी कंडीशनें पूरी हुई और हुआ। यहाँ पे 2 धर्मशालाएं बनाई हैं, शमशान घाट का काम किया है, पाइपलाइन जो 50 साल से पड़ी हुई थी पानी की, पानी नहीं गलियों में पहुंचता था यार, रोज फोन आता हुआ काम पास पाइप। हाँ जी, क्या नाम है? रोहित है जी। रोहित, ऊंचा बोलो। रोहित। अच्छा रोहित है, एक आपकी वोट है इस बार? हाँ है जी। चलो, सबसे पहले रोहित की फर्स्ट टाइम वोट डाल रहे हो? हाँ, फर्स्ट टाइम डाल रहे हैं। रोहित, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप पहली बार चुनाव में अपना वोट डाल रहे हो, लेकिन बहुत सोच समझ कर डालना बेटे, क्योंकि आपके ऊपर ही पूरा भविष्य टिका हुआ है हिंदुस्तान का, ठीक है। अब ये बताना कि यहाँ पर आपको क्या लगा, आप जैसे कॉलेज जाते हो, हाँ, कि बसेस वगैरह सब ठीक ठाक चल रही है, कोई दिक्कतें क्या जो आपको छात्रों को दिक्कत आ रही है, ये बताइए, ताकि हम प्रशासन तक आपकी बात पहुँचा सकें। पहले जैसे बसें चलती अब तो फिर भी मिल जाती हैं। तो कहाँ पढ़ते हो आप? यहीं पंचकुला। पंचकुला में? हाँ जी। तो जैसे बसें प्रॉपर मिलती नहीं, काफ़ी टाइम वेट करना पड़ता है, ये दिक्कत है, ये बस। तो देखिए, इस बच्चे ने बहुत अच्छी बात बताई, हम भी प्रशासन से परिवहन डिपार्टमेंट में बात करेंगे, यहाँ पर बसों की दिक्कत है या ये भी सॉल्व करने के हम भी कोशिश करेंगे, और आपका जो MC बनेंगे, जो मेयर बनेंगे, उनसे भी आप ये मुद्दा रख रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम जी? मेरा नाम शिव चंद्र बुद्धि राजा, पार्टी से जुड़े हुए हैं पहले से। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताना, जो इलेक्शन है, आप कह रहे हो कि आपके कौन खड़ा है घर में? भाभी जी। भाभी जी, तो आपने कोई मुद्दे रखे होंगे, मास्टर प्लान बनाया होगा कि हम इस शहर को और अच्छा बनाएंगे। हाँ, रामगढ़ को, वो मुद्दे दो बता दीजिए बस। यहाँ जो भी समस्या होगी, लोग ही बताएंगे, हमें भी ये समस्या है। हाँ, जनता ही बताए। जनता बताए, उसको हम पूरा करने का आश्वासन देंगे, हम उसको पूरा करेंगे। लोगों का बहुत
सहयोग मिल रहा है लोगों को कैसे? हाँ ये पूछना था लोग, आप जनता बहुत सहयोग मिल रहा है, भरपूर भरपूर समर्थन दे रहे हैं और विकास का नाम ही बीजेपी है। ये रह गए थे पहले, हाँ छोटी प्रॉब्लम थी लोगों की, आप एक एक गली में जाओ आपको कोई गली कच्ची नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी किसी गली में, देखो आप पानी मिलेगा वहाँ पे, ये मूल सुविधाएं होती हैं जी, यही हमारे को मिल रही है सारी। अच्छा। आप गांव के खेतों में जाओ, वहाँ भी गोहर में पक्की ईंटे लगवा दी सरकार ने, हर जगह पानी जा रहा है। पहले जो सरकार आती थी, एक सरकार आती थी, उसी के किसी क्षेत्र के मंत्री के लोग लगते थे, आज यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जी, जो उसका अधिकारी है, जो उसको प्रेफर करता है, जिसके पास डिग्री है, जो नॉलेज रखता है, वही नौकरी लगता है। आज पर्ची भी खत्म हो गई, आज सब कुछ सिफारिश भी खत्म हो गई, ये चीजें हैं। अब मैं आपसे बात आपने कहा कि पर्ची सिस्टम खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, लेकिन इतना कुछ होने के बाद मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, उसके बारे में देखो ये जो पब्लिक है जी, सारी पब्लिक तो एक जगह कहीं भी नहीं हो सकती, हर बंदे की अपनी अपनी एक जरूरत है। उन जो लोग आज काले झंडे दिखा रहे हैं उनको भी समझाया जा रहा है और वो समझ जाएंगे। क्या नाम है आपका? कमलदीप। कमलदीप देखो इलेक्शन आते जाते हैं, भाईचारा मेन होता है। वोट है तुम्हारी? ना जी वोट नहीं, वोट नहीं है। चल कोई ना कोई ना, चल आपने ये बताओ कि ये तुम्हें दिक्कत क्या आई बेटे? एक तो साफ सफाई का जी मेन, तो ये देखो कितनी इंडस्ट वगैरह है। तो बुद्धि राजा जी बच्चे की बात नोट कर लीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अगली बार भी हम आएंगे यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा ध्यान रखा जाएगा। और उस नौजवान कहाँ गया? वो पहले यहाँ पर था, किधर? हाँ ये नौजवान ने कहा था हमारे उसके कॉलेज के लिए बसों की दिक्कत है, इनकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मिलती नहीं। हाँ तो मिलने लगी जी। अच्छा फिर भी बिल्कुल, चलो इनकी दिक्कतें देखो, आप भी यहाँ पर खड़े हो ठीक है ना। अब हाँ बेटे इधर, क्या नाम है तेरा? साहिल है। वोट है? हाँ जी। फर्स्ट टाइम डाल रहे हो? कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत आपको कि आप फर्स्ट टाइम जो हिंदुस्तान ने आपको अधिकार दिया है वोटिंग आप डाल रहे हो। हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस तरह से आप काम करते रहना ठीक है बेटे। अरे आ जाओ। हाँ जी क्या नाम है जी आपका? साबर अली। उच्ची बोलो जी। साबर अली। साबर अली जी, साबर अली जी आप ये बताना आप इसी गाँव में रहते हो? नहीं जसवंतगढ़ में रहा हूं। अच्छा तो आपकी क्या दिक्कत है इस एरिया की? मेन कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं? हाँ जी बोलो जी। बोलो क्या नाम है? बलबीर सिंह जी। हाँ बलबीर सिंह जी, क्या दिक्कत है आपको? क्या यहाँ पर रहते हो? हाँ ना मान के रहा जी। अच्छा नगर निगम में आता है ये? हाँ जी मान के आता है। तो ये बताओ मानक की जो गांव का है वहाँ की क्या स्थिति क्या है, आपको क्या लगता है इस बार? नहीं मेरे गाँव में काम ठीक हो रहा है जी। काम ठीक हो रहे हैं? हाँ जी। कौन से वार्ड एरिया में आता हुआ? वार्ड नंबर 19 में। 19 वार्ड के भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इन्होंने भी बताया बलबीर सिंह ने। बलबीर सिंह ये बताइए कि आपका जो गांव है मानक, तो वहां पर क्या दिक्कतें आप फेस कर रहे थे अभी तक, और नए पार्षद से आप उम्मीद रखते हो कि वो आप सुलझा सके आपकी प्रॉब्लम? हाँ जी करेंगे बिल्कुल, वो तो करेंगे। दिक्कतें आपके हिसाब से कौन सी हैं मानक? अभी कोई दिक्कत नहीं, सब दिक्कत नहीं, बलबीर सिंह जी अगर कोई दिक्कत नहीं है। तो भाइयों बहनों ये आज हम यहाँ पर खड़े थे रामगढ़ के अंदर, और आपको हम ग्राउंड लेवल रिपोर्ट बताई, जीरो लेवल रिपोर्ट बताई, और हमें अच्छा लगा कि इस हमारे अर्थ प्रकाश के माध्यम से यहाँ के लोगों ने दिल की बात की है, और दिल की बात की है, और जो दिक्कतें हैं और यहाँ पर जो खड़े हैं इन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम ये दिक्कतें पूर्ण रूप से इनकी पूरी करेंगे। मैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा अपने सहयोगी राहुल तिवारी के साथ। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।